नमस्कार दोस्तों, मैं डीके गौतम अपने यूट्यूब चैनल gsstudy.in में आपका स्वागत है। और प्रतिदिन की भांति आज भी मैं आपको क्लास टेंथ के जीव विज्ञान का एक चैप्टर है जैव परक्रम, जो आपको पार्ट वन में है, ठीक है। जैव परक्रम, ठीक है ना, यानी जो भी सजीव प्राणी हैं उनका परक्रम यानी उनकी क्रियाएं कैसे होती है, उस चैप्टर से हम लोग आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसका हम आंसर नीचे दर्शा देंगे, जिससे कि हम लोगों को समय की बचत होगी और पेज भी हमको कम लगेंगे, ठीक है ना। तो आज काफ़ी टॉप 10 क्वेश्चन यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हैं। जो भी लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियोज अपलोड किए जाएंगे जिसकी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए क्योंकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका एक है, कौन प्रकाश संश्लेषण अंगक हैं। देखिएगा, यानी कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं, तो वो आपको जो है हरित लवक हैं। क्या है आपको? हरित लवक पौधे के पत्तियों में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको दोस्तों। इस वायु के मंडल में, इस वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है, सो होता है आपको 0.03%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं तीन की। तो क्वेश्चन नंबर तीन है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक हैं, यानी स्वपोषी और परपोषी आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे है आपको स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी होते हैं, और परपोषी जीव वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पे आश्रित रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक हैं। स्वपोषी अपने भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो स्वपोषी अपने भोजन के लिए क्लोरोफिल, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, H2O जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी स्वपोषी को भोजन बनाने के लिए ये चार चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। जब तक इनको चारों चीज़ नहीं मिलेगा तब तक ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपको पाँच नंबर की। तो क्वेश्चन नंबर पाँच जो है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग चार, पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। देखिएगा, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मृतजीवी। उसे कौन जी बोलते हैं? मृतजीवी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपको पाँच है, किसके द्वारा अम्बीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है। देखिए दोस्तों, अम्बीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपना भोजन किसके द्वारा अंत ग्रहण करते हैं, तो अम्बीबा अपने भोजन को कुटपाद के द्वारा ग्रहण करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर छः की बात की जाए, ग्रहणी भाग है। अब देखिए, ग्रहणी जो होता है वो कौन सा भाग है, ठीक है ना। तो ग्रहणी जो होता है वो छोटी आंत है, ठीक है ना, छोटी आंत का भाग है। क्वेश्चन नंबर सात की बात की जाए, स्वपोषी डैश करने की क्षमता होती है। स्वपोषी में डैश करने की क्षमता होती है, नहीं स्वपोषी क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आठ की। तो क्वेश्चन नंबर आठ जो है सो आपको है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग होती है, यानी मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर होती है, ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नौ, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो सब लोग जानते होंगे जो है आपको यकृत है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वह कहलाती है, यानी वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वह क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं जैव परक्रम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे नंबर